असलम एंड वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑफ बेसिक्स आई सिटी आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने लेक्चर्स को इन्जॉय कर रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस हम रोज़मर में इस्तेमाल करते हैं और जो मेजर डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं वो है माउस और की बोर्ड लेकिन आज हम इनपुट डिवाइस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनकी क्लासीफिकेशन क्या है और क्लासीफिकेशन में कौन कौन सी डिवाइस शामिल हैं और कैसे काम करती हैं सो लेट स्टार्ट इनपुट डिवाइसेस की क्लासीफिकेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली देर आर मैनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस जो कि कॉमनली uh, देखने में आती हैं जिसमें से नंबर वन पे है कीबोर्ड डिवाइसेस यानी जिनमें की बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है नंबर टू पे है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस यानी आप उनको किसी भी चीज़ की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीन पे पॉइंट कर सकते हैं नंबर थर्ड इज़ द डिजिटाइज़र यानी आपकी जो इनपुट है वो डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है फोर्थ इज़ दी स्पीच रिकग्नेशन डिवाइसेस यानी आपकी आवाज़ की मदद से आप कैसे कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं अनदर इज़ दी डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस यानी अगर आपने कोई फॉर्म कोई मैप कोई पेज कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप उसको स्कैन करना चाहते हैं यू डोंट वॉन्ट टू राइट और इनपुट दैट पर्टिकुलर थिंग और बग़ैर आपकी एफर्ट लगाए आप उसको पेज को रखें और वो स्कैन हो जाए तो वो बेसिकली स्कैनिंग डिवाइसिस में आता है एन अदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड डिवाइसिस यानी आपके पास एक कार्ड है और उसके अंदर आपका डेटा मौजूद है जैसे कि आप ए टी एम कार्ड की बात कर रहे हैं या आप क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं एंड यू जस्ट स्वाइप एड और आपका जो कार्ड है वो इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहा है एंड द लास्ट वन इज़ विजन बेस्ड डिवाइस यानी वो स्कैन करता है इमेज को जो कि उसके लेंस के अंदर मौजूद हैं और फिर इनपुट लेता है एंड देन इट रेकगनाइज आदर इट्स अवमन ऑब्सटिकल है या अगर आपने कोई पासवर्ड लगा रखा है जो कि आइज़ के ऊपर बेस्ड है या आपके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है तो वो उसको केटर कर सकता है द लास्ट कैटेगरी इज़ विजन बेस्ड डिवाइसेस यानी ऐसी डिवाइसेस जो के अपने लेंस की मदद से इमेज को कैप्चर करें इमेज आपका फेस हो सकता है या सिर्फ आपकी आइज हो सकती हैं या कोई ऑब्सटिकल हो सकता है और अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम फिर वो एक्ट करता है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ कीबोर्ड डिवाइसेस कीबोर्ड डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिसमें कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाए जब भी आप फ़ोन लेने जाते हैं या अपना कीबोर्ड खरीदते हैं तो आपने क्वाटी कीपैड का नाम सुना होगा क्वाटी कीपैड यह की बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं वह क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यानी जो पहली लाइन है वो क्वार्टी लिखा होता है वहाँ पे, इसलिए उसको क्वार्टी की बैड कहा जाता है कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज़ हैं वो बेसिकली 101 जीरो कीज़ हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं फिगर में आप देख सकते हैं कि वी हैव फंक्शन कीज वी हैव कंट्रोल कीज वी हैव एरो कीज़ इसके अलावा हमारे पास नंबर्स को एंटर करने के लिए भी दो ऑप्शंस होती है आप प्रॉपर कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लैपटॉप या फोन के ऊपर हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पार्ट्स दफ द कीबोर्ड दे आर बेसिकली थ्री पार्ट्स ऑफ द की बोर्ड जिसमें नंबर वन पे है आपके पास फंक्शन कीज नंबर टू पे है नमेरिक कीज एंड नंबर थ्री आर द अल्फाबेटिक कीज़ हम इसको फर्दर फर्दर डिस्कस करेंगे ताकि हम जान सकें कि ये तीनों पार्ट्स क्या काम करते हैं फंक्शन कीज़ के हवाले से बात करें तो दे आर बेसिकली ट्वेल्व फंक्शन कीज़ कीबोर्ड के अगर आप ऊपर देखें तो सबसे पहले आपको फंक्शन कीज़ नज़र आएंगी, विच वेरीज़ फ्रॉम F1 वन टू एफ़ हर की का एक अहम फंक्शन है और वो आ, किसी और की के साथ मिला के भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उसका फंक्शन जो है वो इन्हांस कर देती है आपके पास स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें F1 से लेकर F12 तक की तमाम फंक्शंस को डिफाइन किया गया है फॉर एग्जांपल अगर हम F1 की बात करें तो F1 वन इज़ यूज फॉर हेल्प F2 टू इज़ यूज फॉर एडिट और रीनेमिंग एनी फाइल F3 थ्री इज़ यूज फॉर सर्च एंड F4 फोर इज़ यूज टू क्लोज द फोल्डर और अ फाइल विच इज़ ओपन इन योर सिस्टम इसी तरह एफ़ ट्व तक के तमाम फंक्शंस डिफरेंट की के साथ मिला के भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इंडिविजुअली भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द की बोर्ड इज़ दी नुमरक कीज़ अगर आप अपने की बोर्ड को गौर से देखें तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर बिल्कुल कैल्कुलेटर की तरह नंबर्स दिखाई देंगे विच वेरीज़ फ्राम जीरो टू नाइन और इन नंबर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो नम लॉक है उसको ऑन करना पड़ेगा नम लॉक की लाइट कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है जैसे आप नम लॉक ऑन करेंगे तो आपकी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी और जैसे ही नम लॉक आप ऑफ़ करेंगे तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी एंड यू कैन यूज़ इट वन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इसके अलावा जो आपकी नंबर कीज़ है वो फंक्शन कीज़ के नीचे आपके पास नंबर कीज़ भी मौजूद होती हैं आप वहाँ से भी नंबर को एंटर कर सकते हैं उन डिवाइसेस में जिसमें नुमरक की पैड अलग से नहीं होता फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स हैं आपके पास आपके फोन्स हैं तो आप उसमें जो ऊपर नंबर कीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं द थर्ड टाइप इज़ अल्फाबेटिक कीज अल्फाबेटिक की जिसका नाम से ज़ाहिर है बेस्ड ऑन ऑल द अल्फाबेट्स यानी आपकी स्मॉल ए बी सी डी और कैपिटल ए बी सी डी के तमाम लेटर्स उसमें शामिल हैं आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देर इज़ अ की विच इज़ नेम एज कैप्स लॉक और कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैपिटल लेटर्स में काम कर सकते हैं कैप्स लॉक को ऑफ़ कर देंगे तो आप स्मॉल लेटर्स में काम कर सकते हैं साथ ही साथ आपके पास एक स्पेस बार है जिसमें आप वर्ड्स के दरमियान अगर स्पेस देना चाहें तो उससे आप दे सकते हैं कीबोर्ड डिवाइसेस के बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है पॉइंट इन ड्रॉ डिवाइसेस। ये ऐसी डिवाइस हैं जिनकी मदद से आप स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट कर सकते हैं कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं इसकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास माउस ट्रैक बॉल जॉय लाइट पेन और टच स्क्रीन जो हैं वो तमाम की तमाम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसिस में शामिल हैं माउस जो कि हम अपनी ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं आप भी यूज़ करते हैं मैं भी यूज़ करती हूँ माउस की कई फॉर्म्स हैं हमारे पास और माउस जो है वो कर्सर की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है कोई आइकन सेलेक्ट करना है किसी को किसी आइकन को आपने खोलना है किसी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं माउस की टाइप्स के अंदर व्हील माउस शामिल है लेज़र माउस शामिल है इसके अलावा माउस जो है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है अगर हम व्हील माउस की बात करें तो व्हील माउस जिस तरह से फिगर में गिवन है दो बटन्स के दरमियान एक छोटा सा व्हील होता है जिसकी मदद से आप अपने पेज को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम लेज़र माउस की बात करें तो लेज़र माउस बेसिकली लेज़र का इस्तेमाल करता है जो कि नीचे के पोर्शन के अंदर अवेलेबल होती है और लेज़र लाइट को सेंस करते हुए वो कर्सर की मूवमेंट करता है व्हील माउस और लेजर माउस दोनों एम्बेडेड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और सेपरेटली भी अवेलेबल हैं यानी ऐसा माउस भी होगा जिसमें व्हील भी होगा और लेज़र भी साथ में मौजूद होगी और ऐसा माउस भी हो सकता है जिसमें सिर्फ लेज़र हो व्हील ना हो सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे और आप अकॉर्डिंगली अपनी सहूलत के हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं पॉइंट इंडोर डिवाइसेस की जो सेकेंड कैटेगरी है वो आपके पास ट्रैक बॉल अवेलेबल है ट्रैक बॉल ज़्यादा यूज नहीं होती मार्केट में लेकिन इट इज़ आल्सो एन इंपॉर्टेंट डिवाइस और ट्रैक बॉल के ऊपर आपका बेस होती है और उसके ऊपर एक बॉल एम्बेड होती है और उस बॉल को मूव करते हुए आप कर्सर को मूव कर सकते हैं एन कैटेगरी इज़ जॉयस्टिक जो कि पॉइंट एंड्रॉ डिवाइसिस में शामिल है जॉयस्टिक मोस्टली बड़े तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते बच्चों के हाथों में जॉयस्टिक ज़्यादा देखा जाता है फिगर पे आपको आ, तीन टाइप के जॉयस्टिक अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट गेम्स के हवाले से या कंट्रोल्स के हवाले से इस्तेमाल होते हैं मोस्टली हम अपने कॉमन यूज़ में जॉयस्टिक का इस्तेमाल नहीं करते अनदर टाइप इज़ दी लाइट पेन या उसको इलेक्ट्रॉनिक पेन भी कहा जा सकता है आप मेरे हाथ में जो पेन देख रहे हैं इस वक्त वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है यानी लाइट पेन है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है यानी माउस से भी ये ज़्यादा आसान है एंड यू जस्ट नीड टू टैप ऑन द स्क्रीन विद इट और आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी इनपुट जो है वो कंप्यूटर को पहुँच जाती है जस्ट बाय टचिंग इट आपको किसी भी कीज की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए और ना ही माउस की जरूरत रहती है कि आप अपने कर्सर को अप डाउन मूव करना चाहें तो द लास्ट टाइप ऑफ पॉइंट इन रॉ डिवाइस इज़ दी टच स्क्रीन और टच स्क्रीन्स आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हो रही हैं आपके घरों में मेरे घरों में और हर जगह फ़ोन्स के अंदर टैब्स के अंदर टच स्क्रीन का इस्तेमाल है टच स्क्रीन का इस्तेमाल निहायत ही आसान है यू जस्ट टच ऑन द स्क्रीन और आपके तमाम काम हो जाते हैं आपको किसी लाइट पेन किसी कर्सर की या किसी माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अलावा टच स्क्रीनस के अंदर वर्चुअल की बैड होता है जिसकी मदद से आप अपने डाटा को इनपुट कर सकते हैं यानी अगर आप कुछ लिखना चाहें चैट करना चाहें जो कि आप फोन के अंदर टैब्स में करते हैं तो आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड मौजूद है और उसकी मदद से आप टच की मदद से अपने डाटा को इनपुट कर सकते हैं टच स्क्रीन का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो आपके ए में हो रहा है आपके टी वी स्क्रीनस जो हैं वो टच हो गई हैं फोन्स तो आपके हैं ही टच सो इट्स बेसिकली मूविंग टू वर्ड्स योर टच स्क्रीन और बाकी स्क्रीन अब ऑप्सिलीट हो गई हैं अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस इज द डिजिटाइजर डिजिटाइजर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जो भी डेटा इनपुट करना चाहें वो आप किसी पेन या स्टाइलस की मदद से कर सकते हैं यानी जिस पेन की मैं अभी बात कर रही थी जो मेरे हाथ में है और जो यहाँ पे आप सेंटेक्स देख रहे हैं इट्स बेसिकली अ डिजिटाइजर और मुझे यहाँ पे इनपुट करने के लिए आई जस्ट नीड टू क्लिक और ड्रॉ सम लाइन्स विद द हेल्प ऑफ दिस पेन एंड आई कैन गिव द इनपुट टू माई कंप्यूटर नाव कम्स द स्पीच रेकनेशन डिवाइस स्पीच रेकग्नेशन डिवाइस इस नाम से ज़ाहिर है ऐसे डिवाइस हैं जो कि हमारी वॉइस को हमारे अलफाज को लेती हैं और कम्प्यूटर को इनपुट करती हैं एंड दैन कंप्यूटर एक्ट्स अकॉर्डिंगली अगर हम डिसेबल uh, पर्सन की बात करें तो स्पीच रेकग्नेशन उनके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है Uh, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते और अपनी स्पीच के ज़रिए वो अपने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिस तरह तो होम ऑटोमेशन का अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो होम ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट आपकी स्पीच के ऊपर बेस्ड है कि आप चाहें तो अपनी स्पीच के ज़रिए अपना डोर जो है वो ओपन क्लोज कर सकते हैं फ़ैन चला सकते हैं लाइट ऑन कर सकते हैं सो इट्स वेरी हेल्पफुल विद रिस्पेक्ट टू द पैरलाइज पर्सन इसके अलावा बहुत सारे रोनाउंड जो हैं वो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद हैं जिस तरह गूगल का एक सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है जिस तरह नाम है हाई कुटाना और कोटाना सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी स्पीच को लेके कंप्यूटर को इनपुट करता है एंड देन यू कैन सर्च और यू कैन ओपन एनी फाइल यू वॉन्ट टू स्पीच रिकगनीशन की टाइप्स में देखें तो दे आर बेसिकली टू टाइप्स जिसमें आप सिंगल वर्ड इनपुट कर सकते हैं स्पीच के ज़रिए यानी येस और नो के हवाले से सिर्फ इनपुट होता है और मल्टीपल इनपुट यानी अगर आप कंटिन्यूस स्पीच में मौजूद हैं जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आप इसको कंटिनुअस्ली इसको लेके और फिर इसको प्रोसेस कर सकें डेटा स्कैनिंग डिवाइस जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि डेटा को स्कैन करते हैं यानी अगर आपके पास कोई ऐसी फॉर्म है डेटा की जिस तरह आपके पास बड़े बड़े मैप्स हैं या ऐसा टेक्स्ट है जो कि किसी इमेज की फॉर्म में है या किसी पेज के ऊपर लिखा हुआ है और आप उसको एज इट इज़ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर तो आप स्कैनर की मदद से कर सकते हैं स्कैनर यूज़ करना बहुत आसान है यू जस्ट प्लेस द डॉक्यूमेंट ऑन द सर्फस और आपका जो स्कैनर है वो उसको स्कैन कर लेता है जहाँ ये आसानी पैदा करता है वहाँ एक्यूरेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंक स्कैनर आपका यूज़ कर रहा है या जो बीम इस्तेमाल कर रहा है वो हाई क्वालिटी बीम हो स्कैनर की बहुत सारी टाइप्स हैं यानी अगर आप मार्केट में देखें तो बहुत सारी स्कैनिंग डिवाइस आपको अवेलेबल हैं जिसमें सबसे पहले है इमेज स्कैनर नंबर टू पे है आपका ओ जिसको हम ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन भी कहते हैं नंबर थ्री पे है ओ जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं नंबर फोर पे है बी जिसको हम बार कोड रीडर कहते हैं नंबर फाइव पे है आपके पास एम आई सी आर यानी मैग्नेटिक डिस्क कैरेक्टर रीडर एंड नंबर सिक्स पे है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर तो देखते हैं कि ये तमाम डिवाइसेस कैसे काम करती हैं सबसे पहले हमारे पास मौजूद है इमेज स्कैनर और इमेज स्कैनर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट यानी जो भी पेपर डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप मार्केट में देखें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज स्कैनर जिसको हम एक फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं यानी आप डॉक्यूमेंट एक फ़्लैट सरफेस के ऊपर रखते हैं और वो स्कैन हो जाता है एंड दी अदर फॉर्म ऑफ द स्कैनर इज़ हैंड हेल्ड स्कैनर यानी वो ऐसा स्कैनर है जो कि आप हाथ में पकड़ के किसी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं जिस तरह बार कोड को स्कैन करने के लिए आपने मुख्तलफ़ शॉप्स के ऊपर देखा होगा उनके हाथ में एक स्कैनर होता है और वो उस बार कोड को रीड करने के लिए यानी इसकी प्राइस जानने के लिए क्या है उस स्कैनर को उसके ऊपर जस्ट रखते हैं और लेसर बीम के ज़रिए जो है वो उसका इमेज कैप्चर कर लेते हैं एन अदर टाइप ऑफ स्कैनर इज़ ओ सी आर जिसको हम ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन कहते हैं ओ सी आर के नाम से ज़ाहिर है कि करेक्टर्स उसके अंदर शामिल हैं इसका मतलब है कि जो गिवन करेक्टर्स है यानी जो बिट मैप इमेजेज हैं उसको आपका ओ सी आर जो है वो कन्वर्ट करता है इन टू दस्की कोड एंड देन प्रोवाइड्स टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग ओ सी आर स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करता है टू डू ऑल दिस कन्वर्जन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर क्योंकि उसमें फ़ोनस या नंबर ऑफ़ करेक्टर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है यानी ये अनलिमिटेड फ़ोनस और अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ करेक्टर्स के ऊपर काम कर सकता है ओ के जो फोन नुमायाँ हैं आपके पास वो है ओ सी ए यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड और ओ बी जिसको हम यूरोपियन स्टैंडर्ड कहते हैं नेक्स्ट इज़ ओ ऑप्टिकल मार्क रीडर ये एक ऐसा स्कैनर है जो कि पहले से मार्क किए हुए निशानों के ऊपर काम करता है जिस तरह अगर आप बात करें कि आप आइल्स का टेस्ट देने जाते हैं या आप एच का कोई टेस्ट देने जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए मुख्तफ़ टेस्ट होते हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर के अलावा एक आंसर शीट मिलती है उस आंसर शीट के ऊपर आपके सर्कल बने होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप इन सर्कल को फिल कर दीजिए फ़ॉर द करेक्ट आंसर वो शीट बाद में आपके ओ के ज़रिए रीड की जाती है और देखा जाता है कि कितने आंसर दुरुस्त हैं और कितने नहीं सो so स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ओ एम आर इज़ यूज ऑन प्री प्रिंटेड आंसर शीट्स और डॉक्यूमेंट्स जिनसे आप ये जान सकें कि जहाँ पे मार्क होगा वहाँ वो बेसिकली उसको एक्सेप्ट करेगा एज़ इनपुट और जहाँ पे मार्क नहीं होगा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा द नेक्स्ट वन इज़ दी बार कोड रीडर नाम से ज़ाहिर है कि बार्स हैं आपके पास और आपका रीडर उन बार्स को स्टडी करता है बार्स बेसिकली आपके अल्फा अल्फ़ानिक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और हर बार की विर्थ और जो लेंथ है वो वेरी करती है एंड इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक नंबर बार कोड स्कैनर जो है वो बीम के जरिए बार कोड को रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है एंड देन इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन वैल्यू इन योर सिस्टम बार कोड सिस्टम की बात करें तो यू पी सी इज़ दी मोस्ट वाइडली यूज बार कोड सिस्टम यहाँ पर आप यू पी सी की एक एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ बार कोड की मदद से नंबर्स जनरेट किए गए हैं और नंबर्स बार कोड की जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किए जाते हैं यानी मैनुफेक्चर आई डी की बात करें या स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट आई डी की बात करें तो वो तमाम का तमाम एक ही बार कोड में एम्बेड होता है नाउ कम्स दी एम आई सी आर विच स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन एम आई सी आर जो है वो टिपिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है जिसमें आपके चेक्स के ऊपर चेक नंबर और अकाउंट नंबर जो है वो स्पेशल इंक के साथ प्रिंटेड होता है यहाँ पे आपको फिगर में एम आई सी आर करेक्टर सेट नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली 14 सिंबल्स के ऊपर बेस्ड है यानी नंबर्स जो है वो ज़ीरो टू नाइन हैं और फोर स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो इसमें शामिल हैं एम आई सी आर की टेक्नोलॉजी बाकी इंडस्ट्रीज़ में कामयाब नहीं है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और सिर्फ बैंक इसीलिए इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेक दम वेरीफाई कि कौन सा चेक है और उसका अकाउंट नंबर क्या है और वो उसके ऊपर थोड़ा उभरा हुआ सा होता है सो so उससे उसकी स्पेशल मशीन होती है इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है सेकेंड लास्ट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जिस तरह के हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक ऐसा रीडर होता है जो कि आपके कार्ड को रीड करता है अब कार्ड की एग्जांपल अगर हम लें तो हमारा एटीएम शामिल है हमारे क्रेडिट कार्ड शामिल हैं जिसके अंदर हमारे अकाउंट की डिटेल्स मौजूद होती हैं और जैसे ही हम उस रीडर में उसको स्वाइप करते हैं तो हमारे अकाउंट की डिटेल्स जो हैं वो उससे चली जाती हैं और आप रिक्वायर्ड पेमेंट जो है वो उससे कर सकते हैं द लास्ट वन इज़ विजन इनपुट सिस्टम विजन इनपुट सिस्टम बेसिकली आपकी फ़ेस रेकग्निशन या आपकी आइज रेकनीशन या किसी ऐसे सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसमें हमें ये जानना हो कि हमारा जो एपस्टिकल है क्या वो कोई नियर बाय है या कोई पर्सन नियर बाय है या हमने अगर लॉक लगाना है तो हम अपनी आइज़ के थ्रू अपने फ़ोन को या अपनी डिवाइस को लॉक कर सकते हैं या अटेंडेंस सिस्टम अगर आप ऑफिस में देखें तो वहाँ भी ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है इट्स अ वेरी गुड सिस्टम और आपको बगैर हाथ लगाए आप अपना डेटा जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिसर्च के हवाले से बात करें तो विजन इनपुट सिस्टम के ऊपर बेतहाशा रिसर्च हो रही है बेतहाशा काम हो रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर डिवाइस बना सकें सो हेयर वी विल एंड द इनपुट डिवाइसेस जहाँ हमने अपनी तमाम कैटेगरीज़ को थॉरली स्टडी किया आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ टिल दिन Take care and God